प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज़ के साथ। दोस्तों यहां पर आ रही है 22,300 पद रिक्त चल रहे हैं पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर एक रिपोर्ट आई हुई है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये न्यूज़ फेक लगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है हमारे पास। तो न्यूज़ देख लेते हैं, रिपब्लिक भारत न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ दी गई थी कुछ ही दिनों पहले चैनल के माध्यम से, और उसमें बताया गया था कि 22,355 पद रिक्त है पुलिस विभाग में। पूरा अपडेट हम बता रहे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए यानी कि पुलिस विभाग में पूरे कितने पद खाली है और कितना यहाँ पर वैकेंसियों को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 22,355 पद रिक्त होने का दावा किया है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बहुत अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। यानी कि मार्च अप्रैल में यहाँ पर और अधिक अधिकारियों के रिटायरमेंट होने की बहुत बड़ी खबर चल रही है। दोस्तों यहाँ पर उनकी रिटायरमेंट होने का समय आ चुका है, यानी कि यहाँ पर 30,000 से अधिक वैकेंसी और यहाँ पर पूरी खाली मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो इनके लिए भर्ती कराने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस विभाग को और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस विभाग का कहना है दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत पदों की जो संख्या है वो लगभग 1,15,731 है। इन पदों में से 22,355 वैकेंसी खाली है, बाकी 93,376 पुलिसकर्मी प्रदेश के अंदर मौजूदा स्थिति में है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर गृह विभाग ने वित्त विभाग के पास 9,000 से अधिक पदों के लिए मंजूरी के लिए स्वीकृति ली गई है। पुलिस विभाग में मार्च और अप्रैल में बहुत अधिक रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, इससे पुलिस कर्मियों की कमी और बढ़ सकती है। प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग का माने तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल में खाली पदों की संख्या लगभग 35,000 से अधिक हो जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट की कमी होने के कारण इन सभी वैकेंसियों को एक साथ नहीं भरा जा सकता है, इनमें से कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जानी है। तो दोस्तों हमने ये बताया आप लोगों के लिए, आखिर ये खबर कैसे आई हमारे पास। तो खबर आप देख सकते हो यहाँ पर रिपब्लिक भारत की साइट पर जाके, www.republicbharat.com/ जा सकते हो, और वहाँ पर MP पुलिस जैसे सर्च बार में आप डालोगे तो वहाँ पर MP पुलिस से संबंधित पूरा अपडेट मिलेगा वहाँ पर उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हो तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो और MP पुलिस से संबंधित भर्ती से संबंधित पूरा अपडेट वहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों वित्त विभाग और वैकेंसियों के लिए मंजूरी प्रदान कर सकता है तो यहाँ पर 15,000 से 18,000 वैकेंसियों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी वर्तमान में खाली स्थिति वैकेंसी है वो 22,355 पद रिक्त चल रहे हैं। आखिर कब तक होगी ये भर्ती? भर्ती होने का अनुमान दोस्तों यहाँ पर फरवरी में बताया जा रहा है कि फरवरी में आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो व्यापम की साइट पर शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाने के बाद आगे जो प्रोसेस बनेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों को लेकर बड़ा अपडेट होगा और वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, वहाँ पर चालू हो सकते हैं। दोस्तों कुछ भर्तियों को लेकर इसमें टाइम क्यों लग रहा है? दोस्तों भर्तियों को लेकर टाइम का प्रमुख यही कारण है कि पुलिस विभाग का माने कि पुलिस विभाग तो केवल और केवल PET कराएगा भर्ती को लेकर, लेकिन सारी जो एग्जाम से संबंधित सारी जिम्मेदारी है वो व्यापम के द्वारा ही करवाई जाएगी। इस तरह से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रारूप डेटा अपनी साइट पर डाला जाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्यापम की साइट को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर ऐड जरूर कर ले, ताकि जो भी नया अपडेट आए तो आप व्यापम की साइट पर खोल सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पर MP पुलिस भर्ती से संबंधित बड़ा न्यूज़ आ सकती है। दोस्तों धन्यवाद सभी लोगों के लिए न्यूज़ देखने।